हेलो गुड मॉर्निंग. आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि आईआईटी और एनआईटीज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका जीवन कैसा होता है. और आप लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जो फैमिली है वो 1000 सब्सक्राइबर, 1000 एक जो माइलस्टोन होता है इनिशियल फॉर यूट्यूब, वो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है. तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू. तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि IITs और NITs में जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका जीवन कैसा होता है. देखिए, 2 साल की कड़ी मेहनत कर लेने के बाद में जब हमें IIT या फिर NITs मिलता है तो उसमें जा कर के भी हमें 2 महीने तक काफ़ी और फील होता है, क्योंकि हमने जितने भी सपने देखे होते हैं वो सपने के अनुरूप नहीं होता. सारा चीज़ सही मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही मिलता है, अच्छे अच्छे लड़के आपके साथ आते हैं, लेकिन 1 से 2 या फिर 3 महीने तक कुछ समझ में नहीं आता. फिर उसके बाद में अगर मैं पढ़ाई की बात करूं कि पढ़ाई कैसा होता है IIT या फिर NITs में, तो दोनों ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई का एक तरीका होता है. जैसे कि जैसे ही आपने एडमिशन ले लिया उसके हर मतलब कि 2 मंथ बाद आपका मिड सेम होता है. मिड सेम जनरली हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो IIT हो या फिर NITs हो, 20 मार्क्स का पहले एग्ज़ाम ले लिया जाता है. ऐसे मान लीजिए कि वो एक टेस्ट के जैसा होता है, मिड सेम हो जाता है. फिर उसके 2 महीने बाद में आपका या फिर 3 महीने बाद आपका फाइनल एंड सेम का एग्ज़ाम होता है. तो IIT और NITs में सेमेस्टर वाइज हर चीज़ चलता है. तो इसमें आपका एक सेमेस्टर में आपके 2 एग्ज़ाम हो जाते हैं, एक आपका मिड सेम का एग्ज़ाम और दूसरा एग्ज़ाम हो जाता है एंड सेम का. अब एग्ज़ाम तो हो गया, अब मैं बात करता हूँ प्रोफेसर्स की. देखिए, IIT या फिर NITs में अगर आप आ रहे हैं तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि आपको डिपेंड किसी पर नहीं होना है. आपका जीवन है, आपको स्टडी करना है, आपको कुछ बनना है, तो आपको खुद से ही सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा और किसी के भरोसे आपको नहीं रहना पड़ेगा. ना इंस्टीट्यूशन के क्लासेस पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा, ना ही किसी टीचर पे कि वो आपको पढ़ा देंगे. आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लाइब्रेरी है, आपके पास अच्छे स्टूडेंट का ग्रुप है. आपको जितना हो सके आप अगर स्टडी कर पाएँ तो उतना ज़्यादा बेटर है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि IIT या फिर NIT में प्रोफेसर गलत पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप डिपेंड ना हो, ठीक है. उसके बाद में चाहे कोई स्टूडेंट IIT या फिर NITs में हो, उनकी क्लासेस का शेड्यूल क्या होता है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा कभी 8 बजे से हो जाता है और 2-2 घंटे की लेक्चर्स हो जाती हैं, 3-3 घंटे के लेक्चर्स हो जाते हैं, या फिर कभी जो वर्कशॉप है वो वर्कशॉप भी 3 घंटे का 2 घंटे का ऐसा ही वर्कशॉप होता है. फिर से उसके बाद में आपका जो लैब है, अगर आप लैब हैं, अगर आपके पास शेड्यूल में अगर आपके पास लैब कंटेन है तो उसमें आपको 2-3 घंटे का मिनिमम यही चलता है पूरा का पूरा शेड्यूल. उसके बाद में अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का जीवन जो होता है वो नाइट में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. हॉस्टल में आपको टाइम पे टाइम एक लंच मिल जाता है, डिनर मिल जाता है, ठीक है, और ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है. हर एक IITs या फिर NITs में मेस होता है और मेस जो होता है वो कैंपस के अंदर ही होता है, और मेस के साथ साथ कैंटीन भी होता है. कैंटीन जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं और उसमें आप कोई भी चीज़ सामान जा कर के खा खरीद सकते हैं. उसके बाद में मेस के फूड की क्वालिटी IITs और NITs में काफ़ी अच्छी होती है. उसका IIT और NITs में अलग से मेस का फ़ी लगता है 17 से 18 हज़ार रुपये के बीच में फॉर एक सेमेस्टर के लिए. उसके बाद में IITs और NITs में आपको इंटरनेट फ्री मिलता है, लेकिन जब आप इंटरनेट चलाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको प्रॉक्सी डाला होता है. जिस वाईफाई से आप कनेक्ट करेंगे आप यूट्यूब या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए जो IIT NIT में स्टूडेंट पढ़ते हैं वो ड्रोनी ऐप का यूज़ करते हैं. ड्रोनी ऐप की मदद से, वो ऐसा ऐप है जिससे कि उस प्रॉक्सी से, उस वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद में उस सिग्नल को पूरे के पूरे आपके मोबाइल में फैला देता है. इसकी वजह से आप YouTube भी चला पाएंगे, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे. तो हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग ड्रोनी का यूज करते हैं, DROONY. इसकी वजह से जो भी रिस्ट्रिक्शन होता है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं हो पाता और हम लोग
कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, इस तरीके से इंटरनेट का आपका फंडा है। उसके बाद में जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको डिपेंड नहीं होना पड़ता। आपको अगर कोई टॉपिक कवर करना है तो आपको ही इंटरनेट से मदद करना आपको चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोगों की जितनी भी पढ़ाई होती है, चाहे वो IITs में लड़का पढ़ता हो, चाहे वो NITs में लड़का पढ़ता हो, हम लोगों की 60-70% पढ़ाई यूट्यूब से होता है। हो सकता है कि आप इसमें शॉकिंग हो जाएं, लेकिन यही ट्रू है। हमारे पास जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटोमेटा का कोई टॉपिक है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा है, सी का कोई टॉपिक है ऑलरेडी वीडियो पड़ा है, जावा का कोई टॉपिक है ऑलरेडी वीडियोस पड़ा है। तो ये जो वीडियो का गाइडेंस है कि हम कौन सा वीडियो अच्छा है, तो इसके बारे में सीनियर अच्छे से जानते हैं, वो हमें रिकमेंड कर देते हैं कि ये तुम प्लेलिस्ट देख लो और तुम लोगों का काम हो जाएगा। तो 60 से लेकर 70% के बीच में हमारी जो स्टडी होती है यूट्यूब और इंटरनेट से होती है। देन उसके बाद में टीचर्स की अगर मैं वर्क के बारे में बात करूं, तो टीचर्स जो आपके लेक्चर्स लेते हैं, उस लेक्चर के बाद उनका एक खुद का पोर्टल होता है, उनका खुद का एक वेबसाइट होता है। उस वेबसाइट पर डे जो आपको स्टडी कराएं उसका PPT और प्लस में असाइनमेंट या फिर कोई भी वर्क है उसमें अपलोड कर देते हैं। और वो जो वेबसाइट होता है वो कहीं आपके बाहर से एक्सेस कभी नहीं होता है, वो एक्सेस आप हॉस्टल के वाईफाई से ही या फिर आपके कैंपस के वाईफाई से ही एक्सेस होता है। इसमें आप आराम से जा कर के PPTs या फिर स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ के जो टीचर्स होते हैं, चाहे वो IIT या फिर NITs के, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो जो भी लेक्चर्स पढ़ाते हैं एकदम मतलब टाइम टू टाइम वो अपना PPTs या फिर जो भी डिस्कशन स्टडी मटेरियल है वो उस पर पोस्ट कर देते हैं। बस आप वहाँ से जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए, ये हो गया। देन उसके बाद में अगर मैं एक कल्चर के बारे में बात करूँ, चाहे वो IITs हो या फिर NITs हो, तो यहाँ का जो कल्चर होता है काफ़ी फ्रेंडली होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की आराम से मदद करना स्टार्ट कर देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरे कल्चर के बारे में मैं बात करूं तो हर मंथ में 1 से 2 फंक्शन होता ही होता है, चाहे वो फंक्शन में आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल कलर अप हो गया, ठीक है, टेक फेस्ट हो गया, उसके बाद में टेक फेस्ट होने के बाद में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते रहते हैं टाइम टू टाइम। और उस फंक्शन में आपके बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं जिनको हम लोग टेलीविज़न पे देखते हैं, और जब वो हमारे कैंपस में आते हैं और जब हम अपनी आँखों से उनको देखते हैं तब हमें लगता है कि अरे ये तो एक इंसान है, हमारी तरह ही इनका पूरा थॉट प्रोसेस भी है, लेकिन कोई अगर अंतर है तो वो उनके एक्शन और वर्क में है। तो हमें इससे ज़्यादा माइंड में क्लियरिटी आ जाती है कि वो भी इंसान है और उनको हम लोग टेलीविज़न पे देखते हैं। तो इस तरीके से एक थॉट प्रोसेस बिल्ड होता है कि नहीं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो IIT और NITs के जो अल्मिनाई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप BTech कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो अल्मिनाई होते हैं वो अच्छे अच्छे कंपनीज़ में प्लेस होते हैं, ठीक है, जैसे ओरेकल हो गया, गोल्डमैन सैच हो गया, उसके बाद में गूगल हो गया, फेसबुक हो गया। तो वैसे लोगों को टाइम टू टाइम जो स्टूडेंट हैं, जो सीनियर हैं, वो कॉन्टैक्ट करके उनको बुलाते हैं, उनका सेमिनार होता है और उस सेमिनार में आप जा करके बैठ करके उनसे जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो वो एक तरीके से आपको गाइड कर देते हैं, ठीक है। गाइड कर देने के बाद में जो नेटवर्क है, ठीक है, जो यहाँ पर जो सीनियर की है, उस सीनियर की बड़ी इज्जत होती है, IITs हो या फिर NITs हो, क्योंकि सीनियर इतने अच्छे से गाइड करते हैं जूनियर को और वो कल्चर को मेंटेन करने के लिए आपको ट्रेन कर देते हैं कि आपको इस तरीके से चलना है, ये कैंपस में नहीं करना है, ये करेंगे तो वो उनके पास पूरा डाटा रहता है, वो क्या सही है और क्या गलत है कैंपस के अकॉर्डिंग, वो पूरा का पूरा डिटेल आपको समझा देते हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं, अगर आप लोग थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में चले जाएंगे तो अगर उनका जॉब लग जाता है, तो ये होता ऐसा है कि जिस कंपनी में वो लोग जॉब करते हैं
फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर वो जॉब करते हैं तो उसमें अगर कोई वैकेंट सीट होता है तो वो आपको डायरेक्ट आपको कॉल करते हैं, और कैंपस जब आती है कॉलेजेस में तो वो उस कंपनी में रहते हुए भी कंपनी को फोर्स करते हैं कि जाइए आप इस NITs में, इस IIT में जाइए। तो इस तरीके से एक बैकडोर, एक बैकएंड सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है जो लड़के IITs और NITs में स्टडी करते हैं। उसके बाद में एक और टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि कोई किसी वोकेशन के दिन अगर किसी वजह से इंस्टीट्यूट का एकेडमिक नहीं चला तो ऐसा आप मत समझिए कि वो आपका नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी आपका अटेंडेंस है वो MHRD के पास जाता है हर दिन का, और अटेंडेंस जो कहीं कहीं पर बनता है वो आई कार्ड के स्वैप पे बनता है, कहीं कहीं आपको अटेंडेंस देना पड़ता है या फिर कहीं कहीं पर आपको आपके टीचर ही अटेंडेंस से लगाते हैं। तो इसमें हर एक जो अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, और 75% या फिर 70% किसी इंस्टीट्यूशन में अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है, चाहे टीचर अच्छा पढ़ाए या ना पढ़ाए ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है जी। देन उसके बाद में आपके पास एग्ज़ाम होते हैं, लाइव होते हैं, वाइवा होते हैं, ये पूरा का पूरा आपका शेड्यूल होता है। उसके बाद में जो प्लेइंग, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ठीक है, बैडमिंटन हो गया, इस तरीके के जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए IITs और NITs में एक टाइप होता है, या फिर IIIT में, IIM में भी, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आते हैं, यहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर एक IIT में कोई फंक्शन हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल IIT रुड़की में अगर कोई फंक्शन हो रहा है बैडमिंटन का, तो उसका जो फॉर्म है वो सारे IITs और NITs में सर्कुलेट हो जाता है, वहाँ के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और IIT से स्टूडेंट NITs में भी जाते हैं और NIT के स्टूडेंट IIT में भी जाते हैं, तो दोनों जगह का माहौल जानने का आपको मौका मिल जाता है। तो एक्सपोजर के तौर पे IIT और NIT में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, आप उन लोगों से मिलते हैं जिनको आप कभी टेलीविज़न में देखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है, और आपका जो माइंड का जो एक थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। लाइब्रेरी की बात कर अगर मैं करूं तो लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप जितना घंटे पढ़ना है आप बैठ के पढ़िए, ठीक है। कैंटीन है, कैंटीन से कुछ मंगाना है आप खा सकते हैं, लैपटॉप आप ले जा सकते हैं लाइब्रेरी में। उसके बाद में काफ़ी अच्छी अच्छी बुक हैं, बुक आप इशूज़ करा सकते हैं। नॉर्मली जो बुक का इशूज़ का पीरियड होता है वो 15 दिन के आसपास होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप IITs में एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपका एक ईमेल आईडी बनता है, वो ईमेल आईडी ऐसा ईमेल आईडी होता है जिसमें आपको इंस्टीट्यूट के तरफ से गूगल कंपनी का टाइप होता है, और गूगल हर एक स्टूडेंट को अनलिमिटेड स्टोरेज देता है जीवन भर के लिए। उसमें आप 100 GB, 1000 GB, कितना 1 TB भी डाल देंगे तो वो फुल नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है और उससे आपका ईमेल आईडी तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जितना आपको अपलोड करना है उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं गूगल ड्राइव का, और एक ईमेल आईडी से आप एक्सेस कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर वो ईमेल आईडी इंस्टीट्यूट का, अगर ईमेल आईडी जो आपका होगा, जो आपके पासवर्ड से खुलेगा, अगर उसे आप किसी, जैसे कि हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, कोर्सेफ हो गया, इनके किसी कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में अगर आप उस ईमेल को डालेंगे तो आपको 100% तक डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। तो इतना फ़ायदा आपको मिलता है। उसके बाद में जो लड़के मतलब कि ST OBC बैकग्राउंड से आते हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। प्रथम जो पहला फीस है वो तो आपको खुद ही पे करना पड़ता है, उसके बाद में स्कॉलरशिप का फॉर्म निकलता है। स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलने के बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके जो एक प्रिंटआउट कॉपी है फॉर वेरीफिकेशन के लिए, उसमें आपका ID कार्ड और आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगा करके जमा करना होता है। इतना जमा कर देने के बाद में आपका पूरा का पूरा फीस रिटर्न हो जाता है, चाहे वो मेस का हो, चाहे वो आपका इंस्टीट्यूट का फीस हो, और वो आपका रिटर्न हो जाता है। अब वो रिटर्न आपके इंस्टीट्यूट के खाते में होता है। जैसे कि अगर आप IITs में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद में आपको एक पासबुक बनवाना पड़ता है, उसमें बैंक होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। उस बैंक में जा कर के आप
आपके जो वार्डन होते हैं जिस हॉस्टल में रहते हैं वो साइन करते हैं लोग और उसको जाके सबमिट करते हैं, तो आपका फॉर्म और अकाउंट दोनों वेरीफाई हो करके ओपन हो जाता है। जितना भी रिफंड होता है, चाहे वो आपके स्कॉलरशिप का हो, चाहे आप किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हों उसमें अगर आपने कोई पैसा जीते हैं, तो वो पूरा का पूरा पैसा आपके कॉलेज के जो अकाउंट होता है उसमें चला जाएगा और उसमें आपका ATM इशू भी होता है और जितना पैसा निकालना है उसमें से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो एक्सपोजर के तौर पे IITs और NITs के बाद में मैं नहीं मानता हूँ कि किसी और इंस्टीट्यूशन में ये सब होता होगा। तो अगर आप लोग 12th में हैं तो 12th में अगर आप हैं तो टारगेट कीजिए, फर्स्ट आपका रिकमेंडेशन होना चाहिए IITs और NITs, या फिर आपका MBA करना चाहते हैं तो एम्स अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आप टारगेट कीजिए। तो इतना मैंने बता दिया कि IITs और NITs में कैसे पढ़ाई होती है। उसके बाद में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब एग्ज़ाम का समय आता है तो यहाँ पे स्टूडेंट दिन रात एक कर देते हैं। हॉस्टल में कोई भी ना म्यूज़िक सुनाई देता है ना कुछ सुनाई देता है, सारे लोग काफ़ी मेहनत करने लग जाते हैं और कोई स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि फुल नाइट पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में जा कर के काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आते हैं। तो ये तरीके का एक पूरा का पूरा माहौल है। इस माहौल में आप तुरंत खुश हो जाएंगे, तुरंत साइड में भी चले जाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट हैं यहाँ के वो काफ़ी अच्छे हैं, चाहे वो IITs के हों, चाहे NITs के हों, IIITs के हों, IIMs के हों, काफ़ी अच्छे आपको स्टूडेंट मिलेंगे और काफ़ी सपोर्टिव मिलेंगे। ये नहीं कि आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा है, किसी दूसरे से भी टॉपिक पूछना चाहेंगे वो टॉपिक आपको आराम से बता देंगे। तो आप लोग टारगेट कीजिए IITs और NITs की, काफ़ी अच्छा कल्चर है और फीस के तौर पर कम लगता है। जो भी है वो आपको IITs के प्रिपरेशन में या फिर कोई भी प्रिपरेशन करते हैं उसी में लगने वाला है। और पहले फीस के बाद में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। स्कॉलरशिप के साथ साथ मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आप खुद सेल्फ की स्टडी पे कुछ आपने ऐसा इन्वेंट कर दिया तो IIT और NIT के स्टूडेंट को मार्जिन मिलता है। उस मार्जिन के थ्रू आप 3,000 से 7,000 के बीच में आप अपना पेटेंट करा सकते हैं, खुद का पेटेंट करा सकते हैं, खुद का जर्नल लिख सकते हैं। और IITs NITs के जो जर्नल छापते हैं, जैसे कि IEEE, ये सब जो हैं संस्थान, ये जर्नल छापते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो आराम से आपको उसमें, अगर IIT और NITs के स्टूडेंट हैं तो उनमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो आराम से पब्लिश कर देते हैं, सिर्फ आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प मिलता है और ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और नेक्स्ट टॉपिक पे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे ये भी मुझे कमेंट में करके बताइए। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।